हेलो एवरीवन, कैटनिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर्स का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है हेडर एंड फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम पेज नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट करो उसमें पेज नंबर लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं अभी आपको बताऊंगी उस पेज नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर्स में जाके आपको टॉप ऑफ द पेज दिखाऊंगी। फर्स्ट टॉप ऑफ द पेज में जाके आपको टॉप ऑफ द पेज कैसे पेज नंबर्स इंसर्ट करना है आप इधर पे सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए इधर पे सेंटर पे है, राइट पे है, लेफ्ट में है, पेज टॉप ऑफ द बॉटम में आपको कौन से पेज नंबर्स चाहिए वो पेज नंबर्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो वेरियस पेज नंबर्स इधर पे इंसर्ट होके दिखाएंगे। आपको कौन से पेज नंबर्स चाहिए उस पेज नंबर्स को आप इधर पे लगा सकते हो। जैसे कि देखिए आप इधर पे एग्जांपल मुझे इस पेज नंबर को इंसर्ट करना हो तो मैं इस पेज नंबर्स को इंसर्ट करूंगी तो टॉप ऑफ द पेज आपको कौन से पेज नंबर्स चाहिए उस पेज नंबर्स को आप इंसर्ट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ हम बॉटम ऑफ द पेज को भी क्या कर सकते हैं, पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कैसे लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में लगा सकते हो, राइट में चाहिए तो राइट में लगा सकते हो, टॉप में चाहिए तो टॉप में लगा सकते हो, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लगा सकते हो। अभी आप देख सकते हो मैंने टॉप ऑफ द पेज भी पेज नंबर्स इंसर्ट किया है, बॉटम ऑफ द पेज भी मैंने इंसर्ट किया है। ओवरऑल कितने पेजेस है, 4 पेजेस है। इधर पे दिखा है पेज 1 of 4, 1 of 3, 1 of 2 ऐसा दिखा रहा है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर्स को लगा सकते हो। टॉप ऑफ द पेज भी इंसर्ट कर सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस पेज नंबर देखना हो तो प्रीवियस के ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज नंबर देखना हो तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट और प्रीवियस पेज नंबर आप इधर पे देख सकते हो। अगर आपको लाइक फुटर बॉटम में कोई स्पेस इंसर्ट करना हो तो स्पेस इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको पेज इंक्रीज करना हो तो डिक्रीज कर सकते हो। अगर स्पेस इंक्रीज करना हो तो आप इधर पे स्पेस इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो फुटर को आप इधर क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज मार्जिन्स। आप क्या कर सकते हो, पेज मार्जिन्स भी लगा सकते हो, बट पेज मार्जिन्स का एक रूल है, आप पेज मार्जिन्स टॉप में लगा सकते हो, बॉटम में लगा सकते हो, वर्टिकल लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, वर्टिकल लेफ्ट साइड राइट साइड में लगा सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, राइट साइड में लगा सकते हो, बट पेज मार्जिन सेंटर इंसर्ट करने के लिए नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए इधर इसे बोलते हैं पेज मार्जिन्स। आप राइट साइड में पेज मार्जिन्स को लगा सकते हो, लेफ्ट साइड में लगा सकते हो, बॉटम ऑफ द पेज लगा सकते हो, टॉप ऑफ द पेज लगा सकते हो, बट पेज मार्जिन्स आप सेंटर में कभी नहीं लगा सकते। उसी पेज नंबर्स को आपको रिमूव करना चाहो तो डायरेक्टली आप इधर पे जाके रिमूव पेज नंबर करोगे तो पेज नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर से इजीएस्ट वे में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताती रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।